बिल्कुल मैम। सर ये हमारा एक ट्रैक्शन मशीन है जिसके अंदर सर्वाइकल एंड लंबर दोनों काम करती है, डिजिटली है फुल। आपको सबसे पहले ऑपरेट करने के लिए आपको पावर प्लग लगाना होगा। सर ये देखिए पावर प्लग है, आप यहाँ से पावर प्लग इन कर सकते हैं। उसके पावर प्लग इन करने के बाद सबसे पहले सर जो रॉप को आपको निकालना है, सर रिलीज़ करना है, आपको ये देखना पड़ेगा आपको किस कंडीशन में। यहाँ पे अभी इंगेज है तो ये बाहर नहीं आएंगे, आपको क्या करना है रिलीज़ करना है। तो हमने जितना हमें कुछ डिसीजन लेकर हमने रिलीज़ कर लिया। रिलीज़ करने के बाद सर आपको इंगेज करना है। यहाँ से इंगेज करने के बाद देखेंगे आप रस्सी को ना अंदर कर सकते ना बाहर, मतलब ये आपका परफेक्ट यहाँ तक आपको करना है सर। उसके बाद आप मशीन ऑन करेंगे। मशीन ऑन करने के बाद अपने अकॉर्डिंग आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सर 5 मिनट का ट्रीटमेंट टाइम लगा रहा हूँ, ये 5 मिनट का ट्रीटमेंट टाइम लगा है। उसके बाद सर हम कुछ हॉल टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ रेस्ट टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। उसके बाद हमारे पास 2 मोड होता है सर, एक होता है स्टैटिक मोड, एक होता है इंटरमीडिएट मोड। सर आपको जो यूज़ करना है आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको इंटरमीडिएट मोड लगा के दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो ना हमारे पास ये एक बटन है सर जो मशीन को स्टार्ट करने के लिए है। फर्स्ट ऑफ सर सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम मशीन स्टार्ट करते हैं। हमने जो ना अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमने यहाँ पे वेट 5 kg डाला है सर। उसके बाद हमने मशीन को स्टार्ट कर दिया। मशीन को स्टार्ट करने के बाद आपको इंडिकेट हो जाएगा कि आपकी मशीन वर्किंग है। आप देखेंगे कि आपका रोप जो है अंदर की ओर जा रही है सर, मतलब कि मशीन खींच रही है 5 kg की वेट से, जिसमें कि जो ना सर आपने 20 सेकेंड का होल्ड टाइम 5 सेकेंड का रेस्ट टाइम डाला है। तो ये 20 सेकेंड सर आपको खींचेंगे रस्सी को, उसके बाद 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये 20 सेकेंड होने दीजिए। अब देखिए सर ये रिलीज़ कर रहा है सर, मतलब जो रिलीज़ करने के बाद आपने 5 सेकेंड रेस्ट टाइम दिया है सर, वो देखेंगे अब 5 सेकेंड के लिए रेस्ट हो गया सर। ये तो रहा सर आपका इंटरमीडिएट मोड, ये हमेशा चलता रहेगा सर। 20 सेकेंड के लिए सर हॉल्ट, 5 सेकेंड के लिए रेस्ट और जो आपने दे रखा है। उसके बाद सर दूसरा मोड होता है हमारा स्टैटिक मोड। सर हम आपको स्टैटिक मोड दिखाते हैं सर। फिर इनिशियली हमने टाइम सेट कर लिया सर, उसके बाद हमने थोड़ा सा इनिशियल करने के बाद हमने मोड स्टैटिक लगा दिया सर। उसके बाद हमने मशीन स्टार्ट किया, हमें जितना फोर्स से लगाना है हमने फोर्स दे दिया सर। उसके बाद देखेंगे कि आपकी रस्सी सर, जिससे हमने 20 kg यहाँ लगाया है, 20 kg के फोर्स से ये मशीन खींच रही है। ये दोनों मोड में काम करता है सर। आप सर्वाइकल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लंबर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं ऑपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ सर। थैंक यू सर।